अब बेहोश कर देती दवाई आपको। काम करो यार, ये छोड़ो, ये तो तुम्हें पहुंचाएगी। देखिए आपकी जो मेंटल फैकल्टी अफेक्ट हो जाती है, मेमोरी पे अफेक्ट होता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पे अफेक्ट होता है। तो एक काम ही करो कि एक जगह है जापान में, मैं कुछ अरसा वहां रहा हूं, एक मॉनेस्ट्री है, वहां जाओ, वो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी ने जापान सारे को फोन किया, बुकिंग शुकिंग हो गई, प्राइवेट में ये पहुंचा उस पे, एक पे पहुंचा और वो गया अपना बैग शेक लेके और उसने जाके काउंटर पे कहा कि जी मैं हूं रजिस्टर्ड। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये आपका कमरा है, यहां आप रहें और रोज मुख्तलिफ एक्टिविटी होगी। शाम जो सेंस है टीचर है मास्टर, उससे आपकी वन टू वन बेसिस पे मुलाकात, एंड ही इज गोइंग पूरा दिन उसने वगैरह मास्टर के पास। उसको पूछा कौन हो, कहां हो, अब उसने मास्टर से कुछ सवाल किए और अब इंतजार कर रहे हैं कि मास्टर उसको सिखाया, तो उसने कहा, मास्टर ने कहा कल आना मेरे पास। तो आ गया, सोचा शायद आज पहला दिन है टीचर ने नहीं सिखाया, दूसरे को पहुंचा, फिर टीचर ने कुछ सवाल का दिन कैसा गुजरा, है ना, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे सब पता देखे। अब उसने समझ में आई, ऐसा होता है, टीचर ने कहा कि अच्छा आप कल आना मेरे पास। अभी कहने लगा यार इसने मेरी सिखाई, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन, पांचवा दिन, रोज जाता, रोज टीचर कहता कल आना कल आना, आखिरी दिन आ गया। अब परेशान, अब उसकी फ्लाइट है दूसरे दिन सुबह की, शाम को टीचर के पास गया बड़े गुस्से में, वो कहता है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, अमेरिकन था ना, आई बीन हियर फॉर सो मेनी डेज, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इतना काबिल आदमी, मैं मेडिटेशन टाइम यू हैव नॉट हाउ टू मेडिटेट बिठाया, एक स्टूडेंट को इशारा किया, एक डिसिपल उसका आया, उसके जग था पानी का, एक ग्लास था, उसने कहा करो, उसने ग्लास में पानी भरना शुरू किया, जब बिल्कुल पानी ऊपर तक भर गया, अमेरिकन को समझ में नहीं आ रही, उनको अक्सर समझ में नहीं आती, समझ में आ जाती दुनिया में चीजें बड़ी आसान राहत, उनको समझ में नहीं आता, जब फुल ग्लास अप टू द ब्रिम भर गया तो इशारा किया और डालो पानी, अब वो डाल रहा है पानी सारा नहीं, जी बेवकूफ आदमी है क्या दिखा रहा है मुझे, जब ग्लास फूले तो पानी नीचे गिरेगा, डालने की क्या जरूरत थी ग्लास में, जब काफी पानी से इशारा किया, उसके डिसाइपल ने स्टॉप किया, इसने अमेरिकन को समझाया देखो इफ द ग्लास इज ऑलरेडी फुल वॉट एवर आई पुट विल स्पिल आउट, ग्लास भरा हुआ होगा मैं कुछ भी डालूंगा वो आएगा, तुम मेरे पास आए रोज शाम को मैं तुमसे पूछता रहा, मुझे भरा हुआ है तो मैं तुम तो अंदर उस दुनिया में द वर्ल्ड विद अगर सफर कर रहा हूं बराए करम पहले अपना ग्लास खाली करें। हम क्या हैं, क्या नॉलेज है हमारे पास, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं, रिलेटिव दुनिया है। डॉक्टरी करने के बाद समझता है कि उससे ज्यादा समझदार आदमी कोई नहीं है, वो ये नहीं समझ कि एलोपैथी इज ऑफ डिजीज नॉट हेल्थ, देयर नो सच थिंग इज एलोपैथी, इट ओनली कॉज डिजीज। हेल्दी आदमी तो डॉक्टर के पास जाता नहीं, डॉक्टर डजंट नो व्हाट इज हेल्थ, ही नोज अ कंडीशन विच इज नॉट हेल्थ, दैट इज अ डिजीज कंडीशन, येट द डॉक्टर थिंक्स ही नोज एवरीथिंग। एक इंजीनियर समझता है उससे ज्यादा स्ट्रक्चर को कोई नहीं जानता, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर समझता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता हूं, हम कुछ है भूल जाओ कि मुझे और क्या आता है, हम भूल गए क्या आता है, वी विल डेवलप द कैपेसिटी टू लर्न समथिंग न्यू, एज लॉन्ग एज वी डोंट फॉरगेट वी कैन नेवर लर्न एनीथिंग न्यू। सो द मैसेज टुडे इज इफ यू वांट टू गो इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ योर ओन, यू डोंट हैव टू फॉलो अ गुरु, यू डोंट हैव टू रीड सो मेनी बुक्स, किसी आश्रम में जाके महीनों गुजारने जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वहां इखलाकी तरबियत डिसिप्लिन सफर चीज वो सिर्फ रास्ते थोड़े थोड़े चेंज, कोई आंखें बंद कर अंतर दे, कोई आंखें बंद करा के जिक्र, कोई आंखें बंद करा के तवज्जो कहता है कि इस जिस्म के हिस्से पे तवज्जो करो, कोई आंखें बंद करके आवाज की तरफ तवज्जो कराता है, कोई आंखें बंद करके सांस की मशकें कराता है, कोई आंखें बंद करके कोई तस्वुर देता है,
चीज वही है। असल चीज यह है कि कुछ भी करे, मंत्र पढ़े, जिक्र पढ़े, दुआ करे, सांस अमले तनफ्फुस पे करे, इमेज पे करे, तसव्वुर पे करे, असल चीज एटीट्यूड है। जब तक एटीट्यूड सही होगा नथिंग हेल्प, ये दुनिया कभी नहीं मिलेगी। तो जब तक ये ना समझे कि अंदर की दुनिया कितनी जरूरी है और बाहर की तमाम खुशियों का दार, तमाम सक्सेस का दारोमदार अपने अंदर पे है, तो इंसान कामयाब नहीं होगा। कामयाबी का ताल्लुक नंबर ऑफ थिंग्स से नहीं है, एंड वेट ऑफ थिंग्स है, चीजों के वजन और चीजों की गहराई से। शुक्रिया जी, मेरा फ्लाइट के टाइम चला गया। सी यू इंशाल्लाह वेरी सून। मैं दो शख्सियत से रिक्वेस्ट करूंगा वे सामने आ जाएं, एक साहब और डॉक्टर आब्दी। अब्दुल्ला फिरोज साहब हमारे रुए रवां, ये सारा जो प्लेटफॉर्म है इनका आइडिया, इनकी वर्किंग, इनकी मेहनत। डॉक्टर आब्दी के साथ शुरू, मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी यादगार प्रोफेसर साहब को पेश करें और कुछ अगर वो कहना चाहें। रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को बुक, इसके अलावा सेट को अपने उस्ताद को मैं खुद अपनी ये महफिल हस्ती भी क्या महफिल हस्ती है जब पर्दा मैं खुद ही नजर आया। तकरीब के हवाले से मेरे पास SMS आते गए, 40 लोग आ चुके हैं, 60 लोग आ चुके हैं, 100 लोग आ चुके हैं। माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में अटेंडेंस 140 लोगों पर मुश्तमिल है। एक्सलेंट, बहुत सारे बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जगह बहुत पसंद है, जगह बहुत खूबसूरत है, वेरी एनर्जाइज्ड एनवायरमेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये दूसरा जुमला कैसे हैं?